हेलो एवरीवन, रियल लाइब्रेरी में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है ये बहुत ही खास है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो हमारी हेल्थ के लिए, जो हमारे गार्डन की हेल्थ के लिए, और ये बहुत ही अच्छा प्लांट ये है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, तो ये एक तरह की घास ही है। और इससे इतने बेनिफिट हैं इसके। तो और इस प्लांट को कैसे लगाया जाता है, कैसे प्रोपगेट किया जाता है, तो मैं इस वीडियो में वो भी आपको बताने वाली हूँ। और देखिए, कहने को ये घास है मगर ये कितने काम की है, ये आपको आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और आइए लास्ट तक बने रहें। अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ आगे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। और आजकल क्या है, सभी घरों में आजकल जंक फूड तो खाया ही जाता है, तो इस तरह के प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए। जैसे एक ये लेमन ग्रास है, तो मैंने भी लगा रखा है एक साल से, इसको एक साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो ये देखिए लंबे लंबा कितना फैल गया है, और ये मेरे छोटे ही गमले में है। ये अगर बड़े गमले में होता तो ये बहुत फैलता है, और इसको जितना हम नीचे से निकालते हैं तो ये उतना ही फैलता है। ये देखिए, इसको डिवाइड करके बहुत अच्छे से लगाया जाता है। अब मैं इसके बेनिफिट बताती हूँ, जो मैंने भी इसको यूज किया है। तो मैंने, मुझे बहुत तेज़ अभी जुकाम खांसी हुआ था, तो मुझे उसका तो पता था, मैंने इसलिए ही लगाया था। ये आयुर्वेद के हिसाब से कि हाँ ये काम आता है, ये औषधि प्लांट है। तो वैसे ये जगह जगह आपको जंगल में इधर उधर मिलेगा, मगर हाँ इसका पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही वैरायटी बहुत सारे जहरीले भी आते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये कौन सा पहचान ज़रूरी है। या तो नर्सरी से ले, या किसी के घर में खड़ा है, किसी को पहचान है तो तब ले। तो मैं भी ये किसी के घर से ही लाई थी। तो ये देखिए, इसके फ़ायदे मैं बताती हूँ। मैंने ये जुकाम में यूज किया, इसकी मैंने चाय पी, और तो मुझे बहुत फ़ायदा किया। और मैंने कैसे बनाई थी ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जुकाम खांसी में ये बहुत फ़ायदा किया मुझे इसमें। जैसे आजकल ठंड में जुकाम खांसी रहता ही है, हो ही जाता है, मौसम चेंज होने में सभी को, घर घर में आजकल मैं देख रही हूँ सभी को ज़्यादातर हो रहा है, इसलिए मैंने इसको शेयर करना ज़रूरी समझा। और इसके बेनिफिट और भी इतने हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी बीमारियों का काल है ये। बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, और जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर, उसमें कई सारी बीमारी में इसको चाय अगर इसकी पीते हैं एक या दो बार, तो ये बहुत फ़ायदा। पहली बार तो ये अगर हम शुरू से ही लेते हैं एक या दो कप, तो हमें ये शुगर, ब्लड प्रेशर और ये कैंसर जैसी बीमारी होती ही नहीं है, अगर हम इसको यूज करते हैं शुरू से। जैसे हम दूध वाली चाय पीते हैं, धीरे धीरे उसको छोड़ के इसको अगर हम यूज करने लगे, तो ये वाली बीमारी हमारे आसपास भी नहीं फटकेगी। मैं बता दूं आपसे, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसमें इतने मिनरल, विटामिन, इसमें इतने औषधि गुण हैं, और ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, तो मैंने तो यूज भी किया है, इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया। और ये प्लांट एंटीबायोटिक है, तो इसको ज़रूर रखिए। और इसके रखने से हमें गार्डन में रखे, हम अपने घर में, होम गार्डन में, या कहीं भी रखे हम इसको, कहीं भी किसी भी कोने में, तो इसके रखने से इसके आसपास बिल्कुल भी मच्छर नहीं आते। जिस कोने में रखा है उस कोने में मच्छर भी नहीं भटकता। तो मैं तो कहती हूँ अपने गार्डन के या घर के कई सारे कोनर में इसको बना के, इसको अलग करके डिवाइड करके इसे रख दीजिए, कई सारे तीन चार गमले इसके बना दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, तो मच्छर बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मच्छर तो देखो कितना बड़ा नुकसान भी करते हैं, तो इसको अगर लगाओगे तो ये मच्छर भी नहीं आएंगे हमारे घर में इससे। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है इस प्लांट को लगाना। और हम इसकी चाय पीते हैं, तो ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन होते हैं जहरीले, तो वो उसको निकाल देता है। अगर हम एक या दो चाय भी पीते हैं रोज़ इसकी, तो इसको देखो बनाना भी ईजी है, और ये पाचक शक्ति को भी हमारे मजबूत करता है, तो ये बहुत बढ़िया है। बस ये है कि ये मात्रा इसकी इतनी नहीं लेनी है, और ज़्यादा मात्रा किसी से भी चीज़ की लेंगे तो वो तो नुकसान देता ही है। एक या दो कप ही पिए इसको, और थोड़ा सा एक इतनी सी डंडी निकाल के इसको यहाँ से हटा के, और इसका पूरा ही नीचे तक ये काम आ जाता है। तो ये तो बल्कि सब्जी में भी लोग डाल के इसको खाते हैं, और चाय भी पीते हैं इसको, जो नीचे की होती है ये मुलायम मुलायम, ये नीचे की इतनी, तो इसको सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान नहीं देता, ये हमारे शरीर को बहुत फायदा करता है। और मैंने बताया कितनी सारी बीमारियों में काम आता है, और ये एंटी फंगल है ये एक तरह का। और इसकी चाय पीने से एक फ़ायदा और भी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो
जैसे फुंसी फोड़े निकलते हैं तो उसको खून को साफ करता है, तो इसके पीने से वो भी नहीं होते हैं क्योंकि ये एंटी फंगल का काम करता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसके में बहुत सारे मुझे तो इतने ही पता है, और भी इसमें काफ़ी औषधि गुण है, तो इसको ज़रूर लगाएं। और इसको देखो लगाना कहीं, पहले बताती हूँ बनाना कैसे, चाय में बता देती हूँ, मैंने चाय पी है इसकी जुकाम खांसी के लिए उसके बताती हूँ। तो मगर वैसे अगर आप रोज़ चाय पीते हो तो इसको निकाल के एक इसको कूट के और बारीक बारीक पहले टुकड़े कर लो, पीसेज इसके पीसेज में काट के इसको बारीक करके और इसको उसमें छेद के मतलब पीट के और चाय में डाल दो और थोड़ी देर पका दो उसको और फिर उसको पी सकते हैं। अगर रोज़ पीते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है नींबू की, ये इसमें नींबू की बहुत अच्छी महक आती है अगर आप पियोगे तो, फिर रोज़ इसको पियोगे, एक बार अगर पी लिया आपने। और मैंने जो जुकाम में पिए मैं उसको बताती हूँ आपको मैंने कैसे लिया था। तो मैंने इसको एक निकाला इसकी जड़ से ये पूरा और इसका नीचे का भी और ये भी पूरा उसको पीट के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके और थोड़ा सा जैसे हमारे पास तुलसी खड़ी रहती दो तीन चार जो है पत्तियां तुलसी के लिए और छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का लिया और एक दो इलायची ली हरी वाली, तो उसको मैंने खूब पकाया एक गिलास पानी में खूब पकाया उसको, जब तक वह एक कप हुआ तो मैंने उसको पूरा काढ़ा टाइप का बनाया और उसको पिया। और मैंने उसको दिन में दो बार पिया तो मेरा एक दो बार पीने से ही मेरा जुकाम का और खांसी का बिल्कुल भी नहीं पता, आप देखो मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तीन चार दिन पहले मुझे बहुत तेज़ था तो बोलने में भी फ़र्क था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी उसी वजह से, तो मैंने इसका ये काढ़ा लिया बना के चाय पी तो मुझे तो बहुत फ़ायदा किया। तो इसकी हम चाय ले सकते हैं जुकाम खांसी में और ये देखिए ये फ़ायदा सभी को करता है। और जो दूध पिलाने वाली माताएं बहनें हैं तो वो भी पीती हैं तो दूध भी बढ़ता है इससे, तो बस ये प्रेगनेंसी जब रहती है तब वो प्रेग्नेंट लेडी इसको नहीं लेती है, बाकी तो देखो अपने डॉक्टर से पता करके हम ले सकते हैं सभी बीमारी में जितनी भी बीमारियाँ हैं। तो अगर आपकी दवाई चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछें और तभी इसको लें। और वैसे इसके बेनिफिट बहुत ही सारे हैं, अगर इसकी चाय पीते रहे तो हमें इतनी सारी बीमारी नहीं होगी जो मैंने इसमें वीडियो में आपको बताई। और इसका मैं लगाने का तरीका बता दूं, तो वैसे हम इसकी सूखी पत्ती भी इसके काम में चाय के काम में ला सकते हैं, अगर इसकी सूखी है तो फेंकना नहीं है और इसकी हरी तो आती है चाय पीने के काम। और ये देखो ये जो हम लगाते हैं इसकी वेल्डिंग इसकी सॉयल चाहिए, इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि पानी से गल जाता है ये, और पानी लेकिन इसको हाँ रोज़ पानी भी चाहिए। अगर ये धूप में रखने वाला प्लांट है इसको आप धूप में रख सकते हैं और पूरी धूप दे सकते हैं और पानी इसके लिए ज़रूरी है, अगर पानी नहीं लगेगा तो ये देखिए ऐसी पत्तियाँ इसकी सूख जाएंगी, वैसे तो ये पुरानी हो गए थोड़ा सूख ही जाती हैं, अगर हम इसको कट करके चाय पीते रहेंगे तो ये हट जाएंगी और हरी हरी ग्रीन रहेंगी हमारी। तो ये देखिए इसको बहुत डिवाइड करना भी इसको लगाना भी बहुत इजी है, तो यहाँ से बस इतना लगा निकाल दीजिए ये देखिए इतना और दूसरे गमले में लगा दीजिए, ये इतना तेज़ी से फैलता है जितना इसको अलग करोगे डिवाइड करोगे उतना ही ये फैलेगा, तो इसको लगाना बहुत इजी है। तो ये सभी घरों में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको भी मैं फ़िलहाल तो इसी में लगा देती हूँ, ये छोटा सा गमला है तो ये देखिए बड़े आराम से ये चल जाएगा, इसमें कोकोपीट वगैरह है ये सॉफ्ट है, मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया है, अभी बाद में दूसरे गमले में लगा दूंगी। बताइए और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।